डीएनए के एक स्टैंड पर कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है और दूसरे स्टैंड पर डिसकन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो डीएनए का टेम्पलेट है उस पर कैसे कंटिन्यूस सिंथेसिस होती हुई जाती है ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम सेगमेंट है उसको यहाँ बना दिया गया थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और आप जानते हैं कि जितने भी डी एन ए हैं जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए जाते हैं वो सभी न्यू पॉलीमरेजेस फाइव प्राइम तो टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही फंक्शन कर सकते हैं और डी नोवो फंक्शन नहीं कर सकते <coughs> तो एक आर प्राइमर की आवश्यकता हुई ये एक आर का प्राइमर है जिसका फाइव प्राइम एंड इधर है और थ्री प्राइम एंड इधर है मतलब थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका इधर है जो डीएनए के पॉलीमरेज हैं जो मेन इसकी एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थ्री ये बल्क सिंथेसिस करती है डीएनए की वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ये देखिए डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसको फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ये चेन को इलांगेट करते हुए जाता है जो थ्री प्राइम हाइड्रॉक्सिल है उसी पर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो सकता है तो ये चेन इस डायरेक्शन में इलांगेट करेगी तो जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री है डीएनए पॉलीमरेज थ्री एक मल्टी यूनिट लार्ज एंजाइम है इस डीएनए पॉलीमरेज थ्री की एक सब यूनिट जिसको बीटा सब यूनिट कहते हैं ये दो आइडेंटिकल प्रोटीन चेन्स की बनी हुई है देखिए ये दो आइडेंटिकल प्रोटीन चेन्स हैं और ये दोनों चेन्स एसोसिएट हो जाती हैं और एक रिंग सेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं ये डीएनए एन टेम्पलेट है इसी के ऊपर या डी एन ए टेम्पलेट को यहाँ हम शो कर रहे हैं इसके ऊपर ऐसे वो बना देंगी रिंग सेप स्ट्रक्चर और इससे ये लूजली अटैच रहेंगी और धीरे धीरे ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए आगे की डायरेक्शन में बढ़ती रहेंगी थ्री डायरेक्शन में ये जो दोनों चेन्स हैं ये क्लोज और ओपन होती रहती हैं ताकि इसकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है जिस स्ट्रैंड पर ये जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम टेम्पलेट है इस पर कंटिन्यूअस सेंथिसिस होगी क्योंकि सेंथिसिस का डायरेक्शन इस पर होगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जो कंटिन्यूस सेंथिसिस होगी उसमें जो डी एन ए पॉलीमरेज थ्री फंक्शन करेगा वो एक ही डी एन ए पॉलीमरेज थ्री इस पूरे कंटिन्यूस चेन की सेंथिसिस करेगा एक बैक्टीरियल सेल में करीब टेन डी एन ए पॉलीमरेज थ्री होते हैं और 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड पॉलीमरेज वन होते हैं तो एक ही डीएनए पॉलीमरेज थ्री इस पूरी सिंथेसिस को करते हुए एंड तक ले जाएगा